टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बहुत से मेथड्स हैं। मैंने कम से कम 50 वीडियोस देखे हैं इस पे यूट्यूब पे, और इसको मैंने समराइज करने के लिए सोचा एक वीडियो बनाया जाए जिसमें जो मेन तीन मेथड्स हैं उनके बारे में बताया जाए। तो शुरू में हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे 31 × 21। तो ये इसमें इसकी मल्टीप्लिकेशन में ये तीन डिजिट आएंगे, इनफैक्ट ये तीनों में तीन डिजिट आएंगे। तो फर्स्ट जो डिजिट है ये 3 × 6 ये डिजिट होगा, और ये यूनिट के प्लेस पे जो डिजिट है 1 × 1 ये डिजिट होगा, और यहां जो सेंटर में जो डिजिट आएगा उसके लिए सिंपल मेथड है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो और उन दोनों को ऐड कर दो। तो 3 × 1 = 3 and 2 × 1 = 2, 3 + 2 = 5, तो ये आंसर हो गया 651। सिमिलरली इसको देखते हैं, इसमें भी ये तीन डिजिट्स आएंगे। फर्स्ट डिजिट होगा 4 × 2 = 8, और ये यूनिट प्लेस पे डिजिट होगा 2 × 3 = 6, और जो सेंटर वाला डिजिट है टेंस के प्लेस पे ये होगा 2 × 2 = 4 + 4 × 3 = 12, 12 + 4 = 16, तो 16 का 6 यहां पे आ जाएगा, और जो एक कैरी हमने किया है वो एक कैरी होके यहां 8 की जगह पे 9 आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 966। सिमिलरली इसको देखते हैं, ये इसमें 7 × 4 = 28, 3 × 2 = 6, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 3 = 12, 7 × 2 = 14, 14 × 12 = 26, ये 26 का 6 यहां पे आ जाएगा, और 2 जो हमने कैरी किया था वो सब मिला के ये हो जाएगा 30, तो आंसर आ जाएगा 3066। तो ये एक ऐसा मेथड है जो कि टू डिजिट की किसी भी मल्टीप्लीकेशन में यूज हो सकता है। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं। इस मेथड की स्पेसिफिक कंडीशंस हैं कि जो टेंस पे जो डिजिट हैं, जैसे ये फर्स्ट डिजिट ये सेम होने चाहिए, जैसे ये 4 4 है, ये 6 6 है, और जो यूनिट वाले डिजिट्स हैं उनका सम जो है 10 होना चाहिए, 9 + 1 = 10, 7 + 3 = 10, 6 + 4 = 10। तो ये इस कंडीशन को अगर ये मीट करता है कोई मल्टीप्लीकेशन, तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है, ये दोनों 3 हैं, 3 है, तो इसमें चाहे इसमें किसी में भी एक में आप 1 प्लस कर दीजिए, +1, तो ये हो जाएगा 4, तो 4 × 3 = 12, तो ये 12 लिख लें, और ये 9 × 1 = 9, तो इसके लिए 09, ये आंसर आ गया। ऐसे ही ये 4 में 1 प्लस किया तो 5 आ गया, 5 × 4 = 20 एंड 7 × 3 = 21, ये आंसर आ गया। ऐसे 6 में 1 प्लस कर दें तो 7 हो जाएगा, 7 × 6 = 42 और 6 × 4 = 20। लेकिन इसमें कंडीशन यही है कि जो टेंस का डिजिट है ये सेम होने चाहिए, और इनका सम जो है यूनिट वाले डिजिट इनका सम जो है 10 होना चाहिए, तो ये स्पेसिफिक केस हो गया, मेथड 2 है। और फाइनली सपोज आपको बड़े नंबर्स टू डिजिट के जिनका जो नियर टू 100 हैं उनको अगर मल्टीप्लाई करना हो तो उसके लिए भी बड़ा आसान तरीका है। तो इसमें आपने 95 है, ये इसमें देखना है कि 95 जो है 100 से कितना कम है, ये 5 कम है तो -5 लिख लिया। 97 जो है 100 से कितना कम है, 3 कम है तो -3 लिख लिया। अब चाहे तो ये 97 में से 5 माइनस कर दें, चाहे 95 में से 3 माइनस कर दें, दोनों ही केस में हमारे पास क्या आ जाता है, 92, तो ये हमने 92 लिख लिया, और 5 × 3 = 15, तो ये नेक्स्ट जो है 15, ये आंसर आ गया। ऐसे ही 98 है, ये 100 से 2 लेस है, ये 93 जो है ये 7 लेस है, तो अब चाहे तो 93 में से 2 माइनस कर दें तो भी 91 आता है, 98 में से 7 लेस कर दें तो भी 91 आता है, तो ये 91 जो है ये पहले 2 डिजिट हो गए, और 7 × 2 = 14, ये आंसर आ गया। अब ये 100 से ज्यादा वाले नंबर्स हैं, ये 100 से कितना ज्यादा है, यहां जैसे हमने 100 से कम थे तो माइनस लिखा था, यहां ये प्लस लिखेंगे, ये +4 है, ये +2 है, तो इसमें चाहे 4 प्लस कर दें तो भी 106 आता है, इसमें चाहे 2 प्लस कर दें तो भी 106 आता है, तो 106 पहले हम लिख लेंगे, और 4 × 2 = 8,
तो इसके लिए 08 जो है ये लिख देंगे तो ये आंसर आ गया। ऐसे ही ये 107 जो है ये 7 प्लस है 100 से, ये 4 प्लस है 100 से, 104 प्लस 7 कर दें चाहे 107 प्लस 4 कर दें तो 111 पहले लिख लेंगे और 7 फोर सा 28 ये आंसर आ जाएगा। और सपोज एक नंबर जो है 100 से कम है, दूसरा नंबर जो है 100 से ज्यादा है, ये स्पेशल केस है, तो ये 100 से 2 कम है तो माइनस 2 लिख लिया, ये 103 जो है 100 से 3 ज्यादा है इसमें प्लस 3 लिख लिया, तो चाहे इसको हम सॉल्व कर लें 103 माइनस 2 ये आ जाएगा 101, चाहे 98 प्लस 3 कर लें ये 101 आ जाएगा, तो हमें पता है कि पहले डिजिट्स जो है 101 आ जाएंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर माइनस 6 आता है, तो माइनस 6 को हम कैसे रिजोल्व करेंगे, यहां हम लिख देंगे 20 और यहां हम माइनस 6 लिख देंगे, तो ये हमें क्लियर है कि 100 माइनस 6 जो है ये 94 हो जाएगा और ये 10, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये तीन मेथड्स हैं जो मेनली हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए, इजी मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं। ये मेथड्स अगर आप याद में रखेंगे तो आप 3 सेकंड में, मेरे ख्याल से इतना जल्दी आप कैलकुलेटर से भी काउंट नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते जितना जल्दी आप जो है अपने मन से और ओरली आप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।